गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के जस्ट बाद आप सभी बच्चों को क्या करना होता है, अपना अटेंडेंस बनाना होता है ना। तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना अटेंडेंस बना लीजिए। अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक ओपन करेंगे जहाँ पे आप सभी का प्रीवियस होमवर्क जो था, कल वाला होमवर्क, वो आप सभी उस पेज को क्या करेंगे, ओपन कर लीजिए। ठीक है, कल मैं आप सभी को होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दी थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट फूड डू द फॉलोइंग एनिमल्स ईट। टिक द करेक्ट बॉक्स, कौन सा एनिमल किस तरह का फूड ईट करता है, मतलब किस तरह के यानी कि कौन से जानवर किस तरह के भोजन करते हैं, उस बॉक्स में आपको क्या करना था, टिक करना था। तो बॉक्सेस में क्या क्या लिखा हुआ था, प्लांट फ्लैश, बोथ फ्लैश एंड प्लांट्स, है ना। कुछ जानवर सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों चीज़ खाते हैं, पेड़ पौधे से भी जो चीज़ मिलता है वो भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो सबसे पहले में क्या था लिखा हुआ, डॉग। डॉग क्या है, तो डॉग दोनों चीज़ खाता है, बोथ, है ना। वो रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। तो रोटी हमें कहाँ से मिलता है, तो आटे से बनता है रोटी। और आटा कहाँ से आता है, तो वीट, वीट मीन्स गेहूँ होता है, और वीट कहाँ से मिलता है, तो वो हमें प्लांट से मिलता है ना। तो डॉग दोनों चीज़ खाता है। कुत्ते जो हैं वो सब्ज़ी भी खा लेता है, ऐसा नहीं है कि सब्ज़ी नहीं खाता है, सब्ज़ी भी खा लेता है और क्या बोलते हैं, मांस भी खाता है। उसके बाद गोट, गोट बकरी, है ना। तो बकरी क्या खाती है, तो बकरी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाती है, घास, पत्ता, सब्ज़ी, यही सब खाती है, उसके अलावा वो दूसरा कोई चीज़ नहीं खाती। ठीक है, तो आप कहाँ पे लगाएंगे टिक, तो प्लांट वाले बॉक्स में आप टिक लगा देंगे। उसके बाद मतलब गोट वाले लाइन में आपको प्लांट में टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद कैमल, कैमल ऊँट, ऊँट क्या खाता है, तो ऊँट भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ घास ये सब खाता है। उसके बाद कैट, कैट क्या है, तो कैट दोनों चीज़ खाती है। बिल्ली जो है वो भी दोनों चीज़ खाती है, वो आपको रोटी भी खाएगी, दूध भी पिएगी और फ्लैश भी खाएगी, मांस भी खाती है। इसीलिए आप क्या कीजिएगा, बोथ प्लांट एंड मीट दोनों में आपका हो जाएगा उसमें ठीक। उसके बाद है जिराफ, जिराफ क्या खाता है, तो जिराफ भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, तो आप प्लांट्स वाले बॉक्स में आप क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। सबके सामने ही निशान लगाना है, ठीक है ना, उसी तरह से आप निशान लगाइएगा। बियर, भालू, तो भालू दोनों चीज़ खाता है, वो शहद भी खाता है, आपको क्या बोलते हैं, प्लांट भी खाता है और आपको फ्लैश भी खाता है, मछली भी मार के खाता है, ठीक है ना। तो आप दोनों में लगाइएगा, क्या है, जहाँ पे बोथ फ्लैश एंड प्लांट लिखा हुआ है उसी बॉक्स में। उसके बाद काऊ, गाय घास खाती है, हरी सब्जियां खाती है, तो आप काऊ में कहाँ कीजिएगा, जहाँ पे प्लांट लिखा हुआ है उसके सामने आप टिक लगा दीजिएगा। डियर, हिरन, हिरन भी सिर्फ और सिर्फ क्या खाती है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्लांट से मिला हुआ चीज़ खाती है। लायन, लायन क्या खाता है, तो सिर्फ और सिर्फ वो फ्लैश खाता है, तो फ्लैश वाले इसमें आप क्या कीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा। टाइगर, टाइगर भी क्या खाता है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाता है, ठीक है ना, तो आप फ्लैश वाले इसमें टिक लगाइएगा। इस तरह से आपका ये वाला होमवर्क हो गया। उसके बाद क्या था, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो पहला, सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि दूसरे नंबर वाला जो क्वेश्चन में सबसे पहला जो था वो क्या था, विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू सी थिंग्स, कौन सा शरीर हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो चीज़ों को देखता है, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, तो हमें कैसे पता चलता है, तो कौन सा बॉडी पार्ट ये काम करता है। तो ऑप्शन था ईयर्स, टीथ, आईज, हैंड, तो कौन सा ऑप्शन सही है,
ए में है ईयर्स, बी में टीथ है, सी में आईज है एंड डी में हैंड है। तो क्वेश्चन नंबर टू का वन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। वन का सी क्या है, आईज, ई वाई ई एस, आईज। आईज हमें देखने में मदद करता है, जो भी सामान हमारे घर में हो, हमारे आसपास हो, उसे देखने में कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है, तो आईज। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। कौन सा ऐसा अंग है जो हमारे, यानी कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। आईज, ए नंबर में आईज है, उसके बाद बी में ईयर्स है, ब्रेन है एंड नोज है। तो क्या हो जाएगा नंबर टू में, सी नंबर, ब्रेन, बी आर ए आई एन, ब्रेन, ठीक है ना। ब्रेन मीन्स होता है दिमाग। दिमाग जो है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल में रखता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमें हमारा ब्रेन बताता है, दिमाग बताता है कि हमें ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो पूरे बॉडी को कंट्रोल में कौन सा बॉडी पार्ट, यानी कि कौन सा पार्ट रखता है, तो ब्रेन उसे कंट्रोल में रखता है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट मतलब हमारे हृदय का क्या काम है, हमारा जो हार्ट है जो इंटरनल है, मतलब ब्रेन भी इंटरनल है, अंदर का पार्ट है, ये भी बॉडी पार्ट है लेकिन अंदरूनी है, ये बाहर नहीं है ब्रेन। उसके बाद हार्ट, हार्ट का काम क्या है, तो हार्ट का काम है नंबर ए, ठीक है ना, ए में सप्लाई, एस यू पी पी एल वाई, सप्लाई ब्लड, बी एल ओ ओ डी, ब्लड टू आवर बॉडी, आवर बॉडी, हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड सप्लाई करने का जो काम है वो किसका है, हार्ट का काम है। हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड सप्लाई होता है, खून जो इधर उधर जाता है, पूरे बॉडी में फैलता है, तो वो किसके ज़रिए फैलता है, तो हार्ट के ज़रिए फैलता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, हाउ मेनी लंग्स डज अ ह्यूमन बॉडी हैव। हमारे शरीर में कितने लंग्स होते हैं, तो टू, ठीक है ना, नंबर बी, टू लंग्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑप्शन बी में आपको टिक कर देना है। उसके बाद है, इन प्रेजेंट इन आवर चेस्ट, हमारे सीने में क्या है, मतलब ये इंटरनल बॉडी पार्ट है, ठीक है ना, तो हमारे सीने में क्या है, तो हार्ट है, ठीक है। हार्ट ऑप्शन क्या है आपको, ए, हार्ट, एच ई ए आर टी, हार्ट, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस क्लास का होमवर्क हो जाएगा। नंबर वन क्या हो जाएगा, नंबर वन का सी ऑप्शन है आईज, नंबर टू में सी ऑप्शन क्या होगा, ब्रेन, ये आंसर हो जाएगा आपका। नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन ए, सप्लाई ब्लड टू आवर बॉडी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन बी, टू। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव में ऑप्शन ए, हार्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी बच्चे क्या करेंगे, अपना आंसर मैच कर लेंगे। जिन बच्चों का सही है बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों का अगर मिस्टेक हो गया होगा एक आध दो, तो वो मैच कर लेंगे, ठीक है ना। अब मैं आज का होमवर्क देती हूँ। आज का होमवर्क देखिए आप लोग क्या है, ठीक है, और जगह है तो आप उसी पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे, और अगर जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे, न्यू पेज ओपन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू ही है, क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। कल
एग्जाम्पल 5 दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए, ठीक है ना। और आज का होमवर्क डालकर आप लोग उतारना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन अ ट्वेंटी बी ऑप्शन में है, 30 सी ऑप्शन में, 32 एंड डी। क्वेश्चन है हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन अडल्ट माउथ, मतलब एक बड़े इंसान में, जवान इंसान में, मतलब जो बड़े इंसान है ठीक है ना, उनके मुंह में कितने दांत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 20, 30, 32 एंड डी नंबर है 64। तो आप अपने मम्मी पापा से ये बात पूछिएगा और ठीक है, और उनसे पूछकर आपका जो आंसर होगा उस पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, आप सभी छोटे हैं तो छोटे बच्चों में के मुंह में इतनी दांतें नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक बड़े इंसान के मुंह में कितनी दांतें होती है। ठीक है, यहाँ पे नंबर है, अपने मम्मी पापा जिससे भी पूछना है उनसे पूछकर क्या कीजिएगा, जो जो होगा आंसर उस पर टिक लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच WHICH विच ऑफ द फॉलोइंग FOLLOWING फॉलोइंग is the PART part of leg। ठीक है, नंबर ए एल्बो ELBOW एल्बो, बी TOES toes, C knee, KNEE knee और D number है both 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 B and C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लेग, कौन सा इसमें पार्ट है जो लेग का है, जो हिस्सा लेग का होता है। ठीक है ना, तो आपको एल्बो, एल्बो मीन्स क्यों नहीं होता है, टोज मीन्स क्या होता है, पैरों की उंगलियों को बोलते हैं, नी घुटने को बोलते हैं, बोथ बी एंड सी या दोनों, लेग का दोनों हिस्सा है। तो आपका जो आंसर होगा आप उस आंसर पे क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। एल्बो होगा तो एल्बो पे, आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ लेग, ठीक है ना, कौन है लेग का हिस्सा, पैर का हिस्सा कौन है, एल्बो टोज नी या बोथ बी एंड सी, टोज नी मतलब बी में टोज है और सी में नी है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, समझकर उस आंसर पे, उस ऑप्शन पे आपको टिक करना है। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन को दोहरा देती हूँ, हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन अडल्ट माउथ, बड़ों के मुंह में कितनी दांतें होती है, यहाँ पे 20, 30, 32 एंड 64।
जो आपका आंसर होगा आप वहाँ पे टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग द पार्ट ऑफ लेग, कौन सा हमारे पैर का हिस्सा है, एल्बो, टोज, नी, बोथ, बी एंड सी। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करती हूँ और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, उसको लिखती हूँ मैं, आप सभी क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट है हाउ मेनी लेग्स डज DOES डज अ ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2 एंड डी 1। ठीक है, एक इंसान के बॉडी में कितने लेग्स होते हैं, कितने पैर होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 4, 3, 2 और 1। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, जो आंसर होगा उसके ऊपर आपको टिक कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देती हूँ, आप सभी बच्चे क्या करेंगे उसे नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, विच पार्ट PART पार्ट ऑफ आवर बॉडी HELPS हेल्प्स इन ब्रीथिंग, BREATHING ब्रीथिंग। ठीक है, ऑप्शन ए है हार्ट HEART हार्ट, बी नंबर है ब्रेन BRAIN ब्रेन, सी नंबर है लंग्स LUNGS लंग्स और डी नंबर है none of these। ठीक है, यहाँ पे विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प इन ब्रीथिंग, कौन सा बॉडी पार्ट है जो हमें सांस लेने में मदद करता है। हार्ट मीन्स हृदय, हमारा जो दिल है, हमारा जो हार्ट है वो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। ब्रेन हमारा दिमाग सांस लेने में हेल्प करता है। लंग्स हमारा फेफड़ा सांस लेने में हेल्प करता है, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा हेल्प करता है, हमारे बॉडी का पार्ट है वो, ठीक है ना, ये सब हमारे बॉडी का पार्ट है, लेकिन इसमें जो फंक्शन है, मतलब सांस लेने का जो काम है, ब्रीथिंग का काम है, वो कौन से बॉडी पार्ट का है, आपको उसमें टिक कर देना है। ठीक है, हाउ मेनी लेग्स डज अ ह्यूमन बॉडी हैव, हमारे शरीर में, एक इंसान के शरीर में कितने लेग्स होते हैं, कितने पैर होते हैं, आपको उसमें टिक करना है। विच बॉडी पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प इन ब्रीथिंग, कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है जो हमें सांस लेने में हेल्प करता है। ठीक है, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, नन ऑफ दिस। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और हाँ, इन सभी चीज़ों को आपको रिमेम्बर भी करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन नोट करके आंसर लिख दिए और छोड़ दिए, ये काम नहीं करना है आपको, साथ साथ आपको याद भी करना है, तो याद करते रहिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर टेन है विच WHICH विच ऑफ द फॉलोइंग FOLLOWING फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल EXAMPL एग्जाम्पल ऑफ हेल्दी फूड HEALTHY हेल्दी फूड।
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग आर, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ हेल्दी फूड्स, नंबर ए फ्रूट, एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स, बी राइस आर आई सी ई राइस, सी पिज्ज़ा पी आई डबल जेड ए सॉरी पी आई जेड जेड ए पिज्ज़ा, डी नंबर है बोथ बी ओ टी एच बोथ ए एंड बी, मतलब कौन सा ऐसा भोजन है खाना है जो हेल्दी है स्वस्थ है, मतलब हम खाएंगे हम इंसान खाएंगे तो उससे हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है, फ्रूट्स राइस पिज़्ज़ा या ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों, मतलब आपको अलग अलग टिक नहीं करना है, अगर क्या बोलते हैं फ्रूट राइस ठीक है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा ए और बी, ए मतलब फ्रूट हो जाएगा बी मीन्स राइस हो जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा आप वहाँ पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और टिक ये भी याद रखना है कि एक क्वेश्चन में जो आपका होगा उसमें ऑप्शन पे दो बार टिक नहीं करना है, आपको क्वेश्चन समझना है ऑप्शन समझना है उसके बाद ही टिक करना है, ये नहीं कि आप जैसे राइस फ्रूट है फ्रूट पर भी टिक कर दिए राइस पर भी टिक कर दिए, इस तरह से नहीं करना है, क्वेश्चन समझना है ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन समझ के तब आपको टिक करना है। उसके बाद है 11 नंबर, 11 नंबर है विच डब्ल्यू एच आई सी एच विच पार्ट पी ए आर टी पार्ट ऑफ आवर बॉडी बी ओ डी वाई बॉडी हेल्प अस टू वॉच टेलीविजन डब्ल्यू ए टी सी एच वॉच टी ई एल ई वी आई एस आई ओ एन टेलीविजन, ठीक है, कौन सा बॉडी पार्ट हमें टीवी देखने में हेल्प करता है, तो आईज बी स्किन एस के आई एन स्किन, सी नोज एन ओ एस ई नोज या डी ऑल ऑफ दिस, कौन सा बॉडी पार्ट हमारी हेल्प करता है टीवी देखने में टेलीविज़न देखने में, आईज स्किन नोज या ऑल ऑफ दिस या सभी, तो आपको जो आंसर सही है उसी पे आपको टिक करना है, ठीक है, कहीं कहीं पे आंसर दो दो है तो लास्ट में बोथ दिया हुआ है या ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है तो आपको समझना है तभी टिक करना है, ये नहीं कि आप एक ऑप्शन पे भी टिक किए उसी के बाद दूसरा ऑप्शन है उसी पे टिक कर दिए, ये काम नहीं करना है, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन समझना है उसके बाद ऑप्शन पे आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो साइंस का होमवर्क हो गया आप सभी का, आप सभी बच्चे क्या करेंगे इसे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में उतारिएगा, ठीक है, और साथ में रिमेम्बर भी कीजिएगा, ओके, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है, ओके, तो क्वेश्चन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, डेट डालिएगा, क्वेश्चन हेडिंग लिखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा, और ऑप्शन अगर एक लाइन में अटता है तो ठीक है, अगर एक लाइन में नहीं अटता है तो दूसरे लाइन का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद फिर से आप दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो हम कल लिखे थे तो जिसमें कुछ सेंटेंस में ऑप्शन में बड़ा बड़ा ऑप्शन था तो आपको एक एक लाइन में एक एक ऑप्शन उतरता, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ ये वाला नहीं आ सकता है तो इसमें दो लाइन का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन लिखिएगा, फिर आप इसको लिखिएगा, फिर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा तो उसके बाद वाला लाइन यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे नोट करेंगे, ओके। अब आपका हम यहाँ पे क्लास स्टॉप करते हैं, ओके। क्लास स्टॉप करने से पहले आप सभी को क्या देते हैं आप, यानी कि हम आपको क्या देते हैं, तो गुड मैनर टिप, और गुड मैनर टिप ये ज़रूरी होता है, मतलब हमें अपनी लाइफ को
यानी कि गुजारने का तरीका पता चलता है कि हमें अपनी लाइफ कैसे गुजारनी चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, हमें अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब क्या है, गुड मैनर्स से ही हम लोग सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, स्टे हाइड्रेट विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पानी पीने का मतलब है जो हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट है, मतलब अंदरूनी बॉडी पार्ट जो है, हमारे अंदर का जो हिस्सा है वो सही रहता है, उससे हम क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, आप सभी बच्चे पानी ज़्यादा पिया करें, ठीक है ना। पानी ज़्यादा पीने से हमारा जो बॉडी पार्ट है वो क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा और हम एनर्जेटिक रहेंगे, हमें मतलब बीमारी नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए हमारा अंदरूनी बॉडी पार्ट जैसे किडनी वगैरह है, ये पानी नहीं पीने की वजह से क्या होता है, इस पर असर पड़ता है, ये कमज़ोर होता जाता है, वीक होता जाता है। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है आज का गुड मैनर टिप, स्टे हाइड्रेट विथ प्लेंटी ऑफ वाटर्स, ठीक है। आज का गुड मैनर टिप ये है, आप सभी बच्चे इस गुड मैनर टिप को फॉलो कीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा, अपने मम्मी पापा भाई बहन अपने यानी के जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए और दूसरों से भी शेयर कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।